नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है जी। जी, और मैं सीतापुर के सिरकड़ा गांव में रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा बेटा ब्लॉक पड़ता है जी। जी जी, और गन्ना समिति हर गाँव हाँ जी हमारे यहाँ है जी। जी, और जैसा कि आपने जानने की इच्छा की है जी जी, तो लास्ट आपका लॉकडाउन से 1 मंथ पहले हमने लखनऊ छोड़ा है। इसके पहले हम लखनऊ गुरुकुल मॉडर्न एकेडमी में प्रिंसिपल थे जी। जी जी, और उसके बाद कुछ बिजनेस का मूड आया तो हमने अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड खाद बीज और पेस्टिसाइड का बिजनेस शुरू किया जी। जी, साथ ही साथ एक दिमाग में आया कि कुछ खेती में इनोवेशन, नया इनोवेशन किया जाता है जी। जी, जैसे ब्रीडर सीड के बारे में जी। तो सबसे पहले चूँकि मेरे यहाँ का जो एरिया है वो गन्ने का है, मेनली फसल हमारे यहाँ की गन्ना है जी। जी, तो उसमें हमने जानकारी कुछ लोगों से अपने सोर्स से जुटाई, जिसमें हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अम्बरपुर, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और वहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर श्री दया जी जी और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी अम्बरपुर, उनके माध्यम से मेरा आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहाँपुर जाना हुआ। वहाँ से मुझे गन्ने की कोसा 13235 और डॉक्टर अजय तिवारी जी के माध्यम से और हमारे प्रसार अधिकारी शाहजहाँपुर डॉक्टर श्री संजीव कुमार पाठक जी के माध्यम से हमें 14201 और 13235 की कुछ बड के रूप में हमको जो है बीज वहाँ से प्राप्त हुआ था। उसी का लाके पहले हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने 13235 ये देख लेना चेक पे चलता है जी। जी, आ जाइए। 35 की बुआई आप देख सकते हैं, ये हमें 23 अक्टूबर को की करी थी लास्ट बार। इधर आ जाइए, दिखा दीजिए आगे। ये है 13235, हमने लास्ट अक्टूबर में, समझ लीजिए 23 अक्टूबर को हमने बुआई करी थी जी। जी, और जो अपनी आज मूल स्थिति में है, अभी 2-4 दिन पहले जो आपका ये हवा चली है, हम कह सकते हैं कि स्टार्म आया जी। जी, तो उसमें थोड़ा इसमें झुकाव आया था, तो हमने इसको सीधा करा के जी, जिससे कि इसका वेट लॉस ना हो जी। और हमारा सीड, चूंकि ये सीड का बीज है हाँ जी, हाँ, तो बीज के लिए है सारी गन्ना जी, तो उसमें बीज को कोई नुकसान न पहुंचे जी, जी, इसलिए हमने इसको सीधा करके फिर से बांध दिया जी, जी, बंधाई कर दी। तो पहला तो ये है कि हमने जब इसका बुआई करी जी, जी, तो उसमें प्रबंधन ये किया कि हमने इसके जो कूण बने जी, 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 जिसको हम लाइन कूण कर सकते हैं हाँ जी, हाँ, हाँ, तो कूण में हमारी जो डिस्टेंस रही आप देख सकते हैं 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर बड टू बड, जो बड टू बड, गांठ से गांठ की दूरी 45 सेंटीमीटर रही जी। जी, एक आंख में आप देख सकते हैं अच्छा खासा टिलरिंग भी आई, टिलर भी आए जी। जी, भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जी। जी, इसी में अगर इधर देखेंगे तो 8 है जी, कहीं जी, पे आपको 9 भी मिलेगा जी। जी, जी, इस तरीके से जो हमने देखा है, एक एवरेज अगर सिंगल बड में हम रोपाई करते हैं जी, 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 तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक मध्यमान निकालेंगे जी, जी, औसत जी, वो 5 टिलर का एक बड में आता है जी। जी, तो इससे क्या होता है कि पहला तो हमारा बीज बच जाता है किसान का जी। जी, 3 क्विंटल ही एक बीघे में समथिंग बीज हमारा पर्याप्त होता है, पर्याप्त तो 3 क्विंटल बीज बच गया उसका। आप अगर सीधा सही एवरेज देख लें तो 350 रुपए आज हो गया है गन्ने के जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा मान चलिए 1050 रुपए वो बच गया जी। अगर हमारा कुल लेबर चार्ज बढ़ा तो 1050 हमारा इधर बचत आ गई जी, बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें जो प्रबंधन है जी, जी, जैसे हमने कूण में बोया जी, जी, तो प्रबंधन हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। जितने टिलर्स आते हैं जी, जी, तो सारे टिलर्स हमारे आप देख सकते हैं कि मिल योग्य होते हैं, यानी कि जो जिनको हम मिल योग्य कहते हैं, बिक्री योग्य, वो सारे टिलर्स हमारे बिक्री योग्य हो जाते हैं जी। इसी के साथ हमने रोपाई करी थी जो 15023 की जी। जी, आप यहाँ देख सकते हैं इस समय हाइट है जी, ये हमारी पूरी इतनी हाइट आप देख सकते हैं कवर है जी, समथिंग 12 फीट के करीब में गन्ना हमारा जा रहा है जी। जी, अगर गन्ना निकाले जी, और ये जो हमने रोपाई करी तो इसमें हमने क्या किया कि कुछ तो ऑर्गेनिक मैटर अपने दिया जी। जी, ऑर्गेनिक मैटर के साथ में इसमें जिंक कंपलसरी है जी, कैल्शियम नाइट्रेट कंपलसरी है जी। इसके साथ ही हमने इसमें आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जी, ये ग्रोथ प्रमोटर्स का भी कुछ इस्तेमाल किया जी, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर हमारा मेन था जी। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है कि हमारे टिलर्स भी अच्छे आते हैं जी, जी, और हमारी जो फसल है वो पूरा फुली मेंटेन रहे। पोषक तत्व प्रबंधन में आपने ऑर्गेनिक जो है उसको बढ़ावा, हाँ, हाँ, ऑर्गेनिक के साथ अब क्योंकि एकदम ऑर्गेनिक करें तो हमारा डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि हम लोग रासायनिक खातों का पहले ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में ला चुके हैं, तो वो हमने क्या किया कि मिक्सअप करके उसको कर रहे हैं जी। जी, फिर हमने थोड़ा ट्रायल और लिया कि जैसे हमारे यहाँ के मृदा में हमें देखे कि ये तो अक्टूबर की बुआई हो गई जी, जी, लेकिन अगर हम स्प्रिंग सीजन में जाते हैं तो कुछ लोगों का चूंकि ज्यादा दिन की फसल बोते हैं सरसों की जी, जी, कुछ लोग कम दिन की बोते हैं हाँ जी, तो कुछ लोग क्या होता है कि फरवरी लास्ट में बुआई कर लेते हैं, कुछ लोग मार्च में बुआई करते हैं, कुछ लोग अप्रैल में करते हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि गेहूँ काट के मई में भी बुआई जी, जी,
तो जैसे मई में हमने अपना एरिया जो बोया जी, तो मई की बुआई में हमने देखा ये हमने क्योंकि ये नर्सरी के तरीके से हमने केवल बीज के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जी जी जी, तो इसमें हमने डिस्टेंस घटा दी जी, ये हमने 2.5 फीट 2.75 फीट ये आपका 2.5 फुट का डिस्टेंस है। हाँ 2.5 पौने 3 फीट है जी, समथिंग जी। तो ये हमने डिस्टेंस घटा दी जी, इसलिए क्योंकि हमको केवल बीज के लिए तैयार करना था जी, लेकिन फिर भी ये हमारा अप्रैल का लगा हुआ है। देखिए किसान भाइयों, ये अप्रैल का गन्ना है, ये गन्ना जो आप देख रहे हैं जी जी, ये हमारा अप्रैल का लगा हुआ जी जी जी, ये 15023 है इधर जी जी, ये अप्रैल का गन्ना लगा हुआ है जी। इसी के साथ जैसे आप इधर से अगर देखेंगे जी जी, तो ये हमारा यहाँ पे जी, ये 13235 लगा हुआ है जी, ये 13235 की लाइन है हमारी जी, ये सारी लाइन 13235 की है जी जी जी। और इसके बाद ये हमारा 14201 है जी, ये आप देख लीजिए 14201 ये लाइन है हमारी जी जी। और इसी के साथ इसमें हमारा फिर इधर ये 13235 की लाइन है हमारी पूरी जी। ये तो हमारा हो गया आपका 20 अप्रैल का, 20 अप्रैल का, हाँ 20 अप्रैल का लगा है जी जी। हमने 5 मई को पौध लगाया, वो जो है सारी गन्ने के बीज बोया जी जी। तो 5 मई वाले में जो हमने देखा जी, तो इसमें भी हमारे चार टिलर 13235 से कोसा तो 13235 की प्रजाति है शाहजहांपुर पौध केंद्र की, तो 3 से 4 टिलर हमारे आ गए जी जी। और देखिए आप चारों टिलर हमारे मिल योग्य जा रहे हैं जी, यानी कि बिक्री योग्य कम्प्लीट जी। तो इसमें हमने क्या देखा कि विभिन्न तारीखों पे या विभिन्न महीनों में बुआई करने पे हमको एक तो यह है कि पता चला कि जो हम अगर गन्ना बुआई स्प्रिंग में करते हैं जी, तो मार्च से लेके अप्रैल तक, मतलब मार्च में ही मेंटेन कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है जी, क्योंकि अगर जितना लेट होगा उतने टिलर घटेंगे जी, उत्पादन घटेगा और जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा जी। और इसके लिए गन्ने के लिए एक सबसे आवश्यक जो है जी, वो है इसकी बंधाई। बंधाई, अगर गन्ना की बंधाई आप गन्ने की नहीं करा पाए, मिट्टी चढ़ाई और बंधाई अगर उसमें आप चूक गए, तो ना तो आपको उत्पादन मिलेगा और ना ही आप उससे पैसा कमा पाएंगे जी, जी। बाकी आपका लॉस होगा जी, भाई नुकसान होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया जी, इसके लिए मेरा अपना स्वयं का एक प्रयोग है जी, कि हमने समथिंग पहले तो ये 13235 की वैरायटी है। हाँ, ये 13235 है, गन्ना चाहे जो हो सर, काफी हाइट जा रही है, एवरेज हाइट इसकी मुझे लग रहा है 13 से कम नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि हमने जो पहला प्रैक्टिकल किया कि पहले तो हमने मिट्टी चढ़ाई जी जी, अपने यहाँ कच्ची मिट्टी है मेरे यहाँ हाँ जी, तो हमने समथिंग मान के चलिए मतलब भर को उठा के मिट्टी डाली जैसा कि आप देख रहे हैं जी जी जी। पटाई करी, पटाई करने के बाद में ये जून में होता है कार्यक्रम, पहली पटाई हमारी मिट्टी जो पड़ेगी वो जून में पड़ेगी, जून में ठीक है। इसके बाद में ये हमने बंधाई करी 2 फीट ऊपर, 2 फीट ऊपर आपने बंधाई। हाँ, और ये ध्यान रखा जाता है बंधाई में, जब हम कभी बंधाई करते हैं नीचे के ऊपर की जी, कि जो हमारा बंधन लग रहा है जी जी, तो जो हम बंधाई कर रहे हैं इसके ऊपर अगौले का भाग 2 फीट से नीचे ना हो। अच्छा जी, मतलब ऊपर का भाग जूने से ऊपर 2 फीट होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम करते हैं बंधाई, स्टार्टिंग करें या बाद में करें जी जी, मतलब 2 फीट अगौले का पोर्शन ऊपर खुला रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हमारा फोटोसिंथेसिस क्रिया जो है प्रभावित नहीं हो पाएगा और उसमें क्या होगा कि वो गन्ना हमारा मर जाएगा, मर जाएगा। फिर इसके बाद में हमने क्या किया कि पहले तो सिंगल बट सिंगल सिंगल बंधाई करी जी जी, फिर यानी कि 2 बड के हमने एरिया को लिया और एक साथ बांध दिया जी जी। इसके बाद होता क्या है कि हम लास्ट में जी अपनी कैंची की बंधाई करते हैं जी, और कैंची की बंधाई करने के बाद में जी जब उसका थोड़ा और हाइट बढ़ती है हाँ जी हाँ। तो हम यहाँ पे दूसरा जूना फिर लगाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए 2 जूने लगे हुए जी जी जी। इनसे क्या होता है कि जब हवा चलती है हाँ जी, तो ये हिलता तो है हाँ, लेकिन ये गिरता नहीं है जी, बैलेंस जो है बैलेंस मेंटेन रहता है नीचे से। वैसे क्या होगा अगर हम सिंगल जूना लगाते हैं, तो हमने देखा भी कि उसमें जब पानी बरसता है या हवा चलती है तो ऊपर उसका वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने के कारण क्या होता है एक तरफ को झुक जाता है जी जी। तो उस नुकसान से हम बच सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा कि 1 बीघे में जी हमारा जो एवरेज अपना है जी हमारा 2700 बड जी 1 बीघे में लगभग लगता है जी जी। उसमें से हमने एक एवरेज निकाला कि 200 बड बीघे में अगर हम ये मान लें कि वो मर गई जी जी, तो हमारा 2500 बचा जी। और 2500 बड पे अगर हम एवरेज एक निकालें जी 5 टिलर का ही जी, तो हमारा 12500 गन्ना हो जाता है जी। जिस हाइट का मेरा गन्ना है तो समथिंग मान के लिए, वैसे तो मेरा 2.5-3 किलो का वजन का है जी जी, लेकिन मैं 2 किलो अगर ग्रास वेट मान लेता हूँ जी जी, तो 2 किलो एवरेज से अगर हमारा 10000 गन्ना भी 1 बीघे में मेंटेन हो जाता है जी, तो हमारा सीधे मान के चलिए 150 से अबव ही जाएगा उत्पादन
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपने ग्रोस वेट को ध्यान में रखते हुए आपने आंकड़ा लगाया अगर है। हम माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, फेरस दे रहे हैं, सारी चीजें उसको हम प्रॉपरली दे रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं, जी जी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि गन्ने के हमारा जो मोटाई होगी, लंबाई होगी, सारी चीजें नत्रजन वगैरह दे के हम मेंटेन कर लेते हैं, जी जी, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि जब अगर हमने अपना वेट 150, 130, 140 पा लिया, जी जी, जैसा कि हमने अभी सुना भी है, हम गए थे वहाँ शाहजहांपुर कि अधिकतम उपज 13,235 की कि कोई किसान है उनके द्वारा 100 क्विंटल की ली गई, जी जी, मेरा एक उद्देश्य है कि अगर ईश्वर ने चाहा जी तो जी हो सकता है हम 130-140 तक ले जाए, क्यों नहीं, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल वही मेरा उद्देश्य है। तो अपने बिजनेस के साथ साथ मैं मान के चलिए सुबह और शाम जी बिल्कुल डेफिनेटली अपने नर्सरी यार्ड में घूमता हूँ, एक एक पौधे की निगरानी भी करता हूँ, जी जी, आप देख सकते हैं कि मेरे किसी पौधे में आपको कहीं पे कोई रोग नहीं नजर आएगा, जी कोई रोग नहीं यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये 13,235 का, हालांकि रोग लगते हैं जो है आप एक नज़र में किसान भाइयों को 13,235 और 15,023 रोग का प्रबंध जो है कैसे क्या स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक का होता बताएं। ये है कि जब गन्ने की आप बुआई करें, हम बहुत सीमित समय में आपको बता देते हैं, जी जी, गन्ने की बुआई करने के समय ही जी जी आप इमिडाक्लोप्राइल ले सकते हैं, जी जी, थायफिनेट मिथाइल जी मिक्स करके जी उसमें आप हॉट वाटर के साथ में अपने बर्ड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी, या कि लेसेंटा के नाम से आता है जिसमें हमारा फेफ्रोनिल होता है, इमिडाक्लोप्राइड होता है, या आपका इफको का सीरासागी के नाम से आता है, घरडा का पोलिस के नाम से आता है, जी कोई भी टेक्निकल जिसमें हमारा फेफ्रोनिल इमिडाक्लोप्राइड दोनों है उनके साथ में एक फंगीसाइड को मिक्स करके और हम अपने पौधों में उसका बर्ड्स का ट्रीटमेंट कर लें, बुआई कर देंगे तो क्या होगा हमारा सूट बोरर या दीमक जो हमारा रूट बोरर और दीमक होता है वो नहीं लगेगा। उगने के बाद में जैसे ही हमारा 3 महीने कम्प्लीट होता है तो हमको हमने जो मेंटेन किया है कि किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल न करते हुए हमको 3 से 4 महीने बाद एक बार पुनः इमिडाक्लोप्राइड या फेफ्रोनिल का स्प्रे कर देना चाहिए, टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए जी। उससे क्या होता है जो हमारा टॉप बोरर या सूट बोरर आता है, अर्ली सूट बोरर जी, हमने इसमें करके देखा कि अर्ली सूट बोरर और टॉप बोरर हमारे यहाँ उसका इफेक्ट नहीं, हाँ नथिंग मान चलिए नथिंग रहा या जी बहुत इक्का दुक्का दिखा, कम दिखा, हाँ तो उससे क्या हुआ कि सारे हमारे जो कल्ले होते हैं टिलर्स आते हैं वो सब समान हाइट से बढ़ते जी, उनमें ये नहीं है कि कोई पीछे रह गया है कुछ हो गया जी, जी, जी। इसके बाद में जो हमारा सितंबर का महीना आता है जी, सितंबर के महीने में हमारे टॉप बोरर की बहुत अत्यधिक मतलब बहुतायत होती है जी, जी। उस समय पुनः हमको एक बार, और मैं तो यही कहूंगा कि हमको फेप्रोनिल और इमिडा क्लोप्राइड जो 40% का अपना मिक्सर होता है जी, जी। उसी को कर दें क्योंकि वो हमारा कांटेक्ट और आपका सिस्टमिक दोनों होता है, तो ऊपर से डाल देते हैं तो हमारा जड़ तक कवर कर लेता, कोई रोग नहीं लगता है। रही बात हमारे पोका बोइंग की, पोका बोइंग के लिए तो ये है कि 15,023 जी जी 13,235 में पोका बोइंग की बहुत कम समस्या है जी, जैसे हमारा 0,238 वगैरह था, हाँ जी, और बाकी उसमें इसकी अपेक्षाकृत ज्यादा है जी जी। समस्या दूसरी चीज उसमें चूंकि नीचे का भाग उसका पतला होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा गन्ना बिल्कुल समान मोटाई का दिख रहा है जी। आप ये देख सकते हैं समान मोटाई दिख रहा है जी। इसको ऊपर देखेंगे वहां भी इतनी मोटाई है जी। लेकिन अगर 15,023 के बारे में हम देखें तो हम आपको अभी आप जैसा कि देखे हैं कि उसका नीचे का जो भाग होगा वो पतला होगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं 15,023 में, ये आपको जी जड़ से लेकर आपको तने तक दिखा रहे हैं क्या इसका जी जी ये देखिए यहाँ पे जी। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे जी ये हमारा तना का भाग है जी। और तने के बाद में जब हम जैसे जैसे ऊपर आएंगे जी ऊपर का भाग इसका मोटा होता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आएगा जी इधर आ जाइए जी जी इधर जब आप आएंगे जी तो एक भाग ऐसा आएगा टाइम कि यहाँ ये आपकी मोटाई बढ़ गई जी। ये मोटाई बढ़ने से क्या होगा अब इधर अगर देखें तो ये देखिए कितना जबरदस्त ये मोटाई आ गई जी। तो इसकी वजह से इसका जो ऊपर का वेट है वो ज्यादा बढ़ जाता है जी। जिस कारण गन्ना गिरने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं जी। इन सभी के साथ हमारा एक 14,201 वैरायटी भी है जी जी। 14,201 वैरायटी हमारी बहुत अच्छी है जी। किसान अगर मेहनत के साथ उसको लगाते हैं जी तो वो वैरायटी ऐसी है कि हाइट में थोड़ा कम रहती है जी लेकिन वजन बहुत अच्छा है और लॉजिंग की उसमें समस्या नहीं है जी। लॉजिंग की समस्या न होने के कारण है तो लेकिन बहुत नॉमिनल अच्छा जी। उस कंडीशन में क्या है कि वो गन्ना बेट में बहुत अच्छा है तो मैं तो यही कहूंगा कि किसान भाई 13,235 और 14,201 यानी कि 0,238 को रिप्लेस करना है जी। तो उसकी जगह अगर कोई लेने वाला है तो हमारा शाहजहांपुर शोध केंद्र का जो रिसर्च का गन्ना है कोसा 13,235 और लखनऊ हमारे रिसर्च सेंटर का जो
कोलक 14201 है जी जी, ये दो ही प्रजातियां उत्तम है जी, और क्योंकि वो गिरने की समस्या भी कम है जी, ग्रास बेट उनका बेट भी हमारा बहुत अच्छा है जी जी, उपज भी अच्छी है और एंटी रेड रॉट है जी, रेड रॉट प्रजाति अच्छी है जी, और अन्य रोगों में भी हम उसमें प्रबंधन अच्छे से कर सकते कर सकते हैं। अंत में हम किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे जी कि पहली चीज तो हम खेत की देखिए तीन चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जी। पहला तो है कि हम खेत प्रबंधन यानी कि जैसे हमको जुताई गहरी जुताई करें जी जी, गन्ने का जो कूण है वो 9 सेंटीमीटर गहराई का होना चाहिए जी जी, बुआई हम सिंगल बड में करें जी, सिंगल बड में नहीं करते हैं फिर भी बुआई करने के बाद हमको जैसे ऑटम में बोते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी पैड़े के ऊपर या गांठ के ऊपर एक अंगुल डालनी जी, बस उसमें क्या होगा कि जमाव हमारा अच्छा होगा जी जी, बीज का चुनाव अच्छे से करें उसको ट्रीट कर लें जी। देखिए अगर आपने बीज का चुनाव कर लिया बुआई के समय अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपका प्रोडक्शन बढ़ना है जी बिल्कुल, अगर बुआई के समय आप चूक गए तो आप लॉस में जाएंगे जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि अब बुआई के बाद हमारी बुआई इधर हो गई, स्प्रिंग में बोते हैं तो हम अगर ऑटम में बोते हैं तो डिस्टेंस हम अगर ट्रेंच से बोते हैं तो ट्रेंच में डिस्टेंस ऑटम में हम 4 फीट रख लें, 4 फीट हाँ 4 फीट रख सकते हैं और बहुत अच्छा, क्योंकि जब हमारी डिस्टेंस होगी तो गन्ने की मोटाई आएगी जी, डिस्टेंस कम होगी गन्ना पतला होगा वेट घटेगा जी। लेकिन जब स्प्रिंग में जाएं जी तो हमारा जो अपना आइडिया है जी कि ट्रेंच की दूरी हमारी जी 3 फीट से ज्यादा ना हो जी, क्योंकि उधर हमारे टिलर्स कम आएंगे जी, ग्रोथ इतनी होगी नहीं जी जी। तो हमको चूंकि लेट हो चुके होंगे इसलिए उधर 3 फीट मेंटेन है। तो ये है कि यही, और दूसरी चीज जो हमारा बीज का प्रबंधन है जी, कि हमने बोया गन्ना उगाया फिर हमारे टिलर्स आ गए, लेकिन अब हमको ध्यान देना है कि पोषक तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए गन्ने को, कि जैसे हमारे 9 टिलर हैं तो उसको भाई जब 9 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है भोजन उनको 9 बच्चों खुराक उसको 9 की ही चाहिए जी, तो खुराक उसकी मेंटेन रखें जिससे कि हमारे सारे टिलर्स मिल योग्य बने जी, और जब सारे टिलर्स मिल योग्य बनेंगे जाहिर सी बात है हमारा उत्पादन बढ़ेगा अच्छा रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से सभी उन किसान भाइयों को धन्यवाद दूंगा जी जी, कि अगर उनको मेरी जानकारी संतोषजनक लगे या लाभप्रद लगे जी जी, तो कभी भी मेरे कांटेक्ट नंबर 94-52-81-72 पे दोबारा आप संपर्क नंबर अपना दोबारा दोहरा दें जी, जी। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है जी, मैं ब्लॉक भेटा जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ जी जी, और मेरा मोबाइल नंबर है 94-52-81-72। जितनी मुझे जानकारी है जी मैं अपने हिसाब से किसी भी समय आप कॉल करते हैं मैं आपको गन्ने के विषय में जानकारी देने के लिए तत्पर रहूंगा जी जी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और किसान भाइयों, इन ये भी एक किसान ही हैं और इनका शुभ नाम श्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी है, और इनके पास में कोई इस समय किसान भाइयों फ्रॉड चल रहा है खेत जो बीज हैं गन्ना के बीज उनको लेकर, तो फ्रॉड से बचें, इनसे संपर्क करें, मोबाइल नंबर इन्होंने बताया हुआ है, दोबारा भी मोबाइल नंबर बता दीजिए आप, और इस जानकारी को जो है पुनः इस जानकारी को आप दे दीजिए मोबाइल नंबर दोहराते हुए कि यहाँ हमारे पास में बीज से संबंधित कोई भी। आप बहुत अच्छी बात आपने बताई जी कि इस समय जैसा कि किसान भाई हमारे बड़ा हौच पौच में है जी जी, 0238 जा रहा है, रेड रॉट की समस्या है जी, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हमको दूसरा गन्ना चाहिए उतनी ही उपज का जी जी। पहली चीज तो ये कि किसान भाइयों से एक आग्रह है कि अगर आपको आसानी से गन्ना नहीं मिल रहा है आपके क्षेत्र में कहीं प्रमाणिक बीज की जगह से जी, तो आप 0238 को ही गन्ने को अच्छे खेत से लेके जहाँ रेड रॉट न दिखे उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दीजिए जी, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के साथ में जी, उसी को आप एसटीपी से 1 बीघे गन्ना अपना बीज के लिए लगा लीजिए जी जी जी, बाकी ज्यादा नहीं। दूसरी चीज, अभी 2-4 साल आप ऐसे चला सकते हैं जी, दूसरी चीज 13-235-14-201 में है क्या कि तमाम किसान हमारे ये कर रहे हैं कि जैसे आपने 1000 गांठ ली उसमें 200 गांठ आपको दूसरे प्रजाति की मिक्स करके दे दी जी जी, जब आपका गन्ना उगा तब आपको पता चला जी, तो हमारा यही आपसे आग्रह है कि आप गन्ना या तो शोध संस्थान शाहजहांपुर से या आप लखनऊ से या उपकेंद्र गोला है, सेवरही है, मुजफ्फरनगर है, इस तरीके के केंद्रों से या किसी अच्छे किसान के यहाँ से लें जो जिम्मेदार पर्सन हो, क्योंकि ठगी के शिकार होने से बचें जी। अगले साल, इस साल भी हम गन्ना 13-235 दे रहे हैं, जिस किसान भाई को चाहिए अगर हमारे नज़दीक में है हम किसान को प्रोवाइड कराएंगे, अगले साल आप हमसे बल्क में यानी कि थोक के भाव ले सकते हैं, आपको 100 क्विंटल 200 क्विंटल जितना चाहिए, लगभग मेरे पास 3 एकड़ 13-235 गन्ना लगा होगा, आपको जितनी मात्रा में चाहिए हम आपको प्रचुर मात्रा में गन्ना देंगे और सीमित रेट पे। और इतना भी है, मैं चैनल के माध्यम से केवल कह नहीं रहा, मेरा दावा है कि जो मिल रेट
यानी कि जो मिल प्रबंधन है बनियों का, जिस रेट में वो दे रहे होंगे, मैं आपको, अगर किसान है आप, व्यवसायी नहीं है, तो मैं किसान को 200 रुपए क्विंटल पे लेस करके अपने यहाँ से बीज दूंगा जी। बहुत मेरा ये बात इन्होंने, भाई साहब ने 0238 को ही विकल्प के रूप में उसको शुद्धिकरण के तरीके से अपनी जानकारी देते हुए उसी को रिप्लेसमेंट की जगह पे क्यों बताया, क्योंकि इनका पर्पज, जो उद्देश्य इनका है, बिजनेस करना ही नहीं है। इनका उद्देश्य है आप लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराना जो फ्रॉड हो रहे हैं, और इस बीज को सुगमता से हर संभव प्रयास करके आप लोगों को पहुंचाना। आप जी अपना नंबर दोहराते हुए, किसान भाइयों को नंबर दोहराते हुए आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी पेशे से अध्यापक रहा हूँ। मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम ए बी एड है जी जी, और अब मैं अपना खेती में भी इनोवेशन साथ में कर रहा हूँ जी जी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं जी, हर जगह ठगी का शिकार होते हैं जी, बिल्कुल। तो किसान भाई जागरूक होते हुए अपने गन्ने को ही सुधारें, बीज लेना है तो किसी प्रमाणिक जगह से लें जी, सही जगह चुने। हाँ, अगर किसी को गन्ने के पहचान से संबंधित कोई शिकायत आती है, जैसे नई पहचान में दिक्कत आ रही है जी, आप मुझे, मेरे नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि 9452-8198 पे कॉल कर सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी है, अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुँचाने का मैं कोशिश करूँगा। और यदि किसी किसान भाई को कभी कोई मुझसे कष्ट होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश हर संभव यही रहेगी कि मैं आपको एक उचित जानकारी प्रदान करूँ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भाई साहब का नंबर और पता दोनों मिल जाएंगे, आप नंबर पे फोन करके किसी भी जानकारी को चाहिए हैं, आपको जो भी चाहिए हैं आप ले सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार।